एनसीसी एबीएन शी सर्टिफिकेट एग्जाम टॉपिक एडवेंचर ट्रेनिंग एंड ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। कौन बनेगा आज का विनर? आज के टेस्ट में टोटल 60 क्वेश्चन है, और जो लोग चैनल पर नए होंगे आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्फा सभी का आएगा, आप क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की जरूरत है? ऑप्शन है 4, बी 5, सी 2 या फिर 3। टाइम शुरू हो चुका। पैरासेलिंग एक एडवेंचर एक्टिविटी है, इसमें कितनी रस्सियों की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन, टाइम आपका इधर चल रहा है, 15 सेकंड ही टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, एक्स्ट्रा टाइम नहीं, तो आंसर जल्दी से बताएंगे क्योंकि 15 सेकंड तुरंत ओवर हो जाता है। चलो टाइम ऑफ। तो पैरासेलिंग में 2 रस्सियों की जरूरत होती है, ऑप्शन सी वाले सही है। सेकेंड क्वेश्चन, पैरा जंप में किस डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं? ऑप्शन है जूनियर डिवीजन के, बी सीनियर डिवीजन के, सी दोनों डिवीजन के, या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका। पैरा जंप भी एक एडवेंचर एक्टिविटी है, तो इसमें किस डिवीजन के कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं? चलिए जल्दी टेस्ट पूरा दीजिएगा, 60 क्वेश्चन है। टाइम ऑफ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीनियर डिवीजन के। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, स्लिदरिंग में कैडेट किसी से रस्सी द्वारा सरकने का प्रदर्शन करते हैं? ऑप्शन है पहाड़ से, बी छत से, सी लिफ्ट से, या फिर डी हेलीकॉप्टर से। टाइम शुरू हो चुका। स्लिदरिंग भी एक एडवेंचर एक्टिविटी है, तो इसमें कैडेट्स किसी से रस्सी द्वारा सरकने का प्रैक्टिस करते हैं? चलिए जल्दी, और काउंट करते रहेंगे आपका कितना सही कितना गलत होता है, लास्ट में बताइएगा। टाइम अप। करेक्ट आंसर, स्लिदरिंग में कैडेट हेलीकॉप्टर से रस्सी द्वारा सरकते हैं, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 4, मोटरसाइकिल अभियान में कैडेट रोज कितना से कितना किलोमीटर चलते हैं? ऑप्शन है 50 से 100 किलोमीटर, बी 100 से 200 किलोमीटर, सी 200 से 300 किलोमीटर, या फिर डी 100 से 300 किलोमीटर। टाइम शुरू हो चुका है। मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन में एनसीसी कैडेट्स डेली कितना से कितना किलोमीटर चलते हैं? ऑप्शन दिया गया है, चलिए फास्ट। टाइम ऑफ। तो मोटरसाइकिल अभियान में 100 से 200 किलोमीटर चलना होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 5, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन उत्तराखंड में, बी मनाली में, सी दार्जिलिंग में, या फिर डी शिमला में। टाइम शुरू हो चुका। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये HMI का फुल फॉर्म है, याद है ना, माउंटेनियरिंग कोर्स वाली संस्था है, HMI दार्जिलिंग। चलिए जल्दी, कहां पर है? फास्ट। टाइम अप। तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ये दार्जिलिंग में स्थित है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रैकिंग कैंप में क्या करना होता है? ऑप्शन है पैदल चलना होता है, बी रस्सी से कूदना होता है, सी पानी में तैरना होता है, या फिर डी ग्राउंड में दौड़ना होता है। टाइम शुरू हो चुका। ट्रैकिंग कैंप में क्या करना होता है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, चलिए फास्ट, और 2 सेकेंड। टाइम अप। तो ट्रैकिंग कैंप में पैदल मार्च करना होता है, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 7, पैरा जंपिंग की सुविधा किस शहर में है? ऑप्शन ए दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी कोलकाता में, या फिर डी आगरा में। टाइम शुरू हो चुका। पैरा जंपिंग की सुविधाएं किस शहर में है? चलिए फास्ट, दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में, या फिर आगरा में। टाइम अप। तो पैरा जंपिंग इंडिया में केवल और केवल आगरा में ही होता है, ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्लिदरिंग में कैडेट्स को किसके द्वारा सरकने का अभ्यास कराया जाता है? ऑप्शन है पैराशूट के द्वारा, बी रस्सी के द्वारा, सी तार के द्वारा, या फिर डी पाइप के द्वारा। टाइम शुरू हो चुका। स्लिदरिंग में कैडेट्स को किसके द्वारा सरकने का अभ्यास कराया जाता है? आंसर सभी लोग जल्दी से बताएंगे, चलिए फास्ट। टाइम अप।
तो स्लिदरिंग में कैडेट्स को रस्सी के द्वारा सरकने का अभ्यास कराते हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 9, खाली स्थान दार्जिलिंग में कैडेटों के लिए पर्वतारोहण हेतु पाठ्यक्रम चलता है, ऑप्शन ए HMI, बी NIM, सी MAS या फिर ऑल ऑफ दीज। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब दार्जिलिंग में कौन सा संस्था है जहां पर NCC कैडेट के लिए माउंटेनियरिंग कोर्स चलाया जाता है, HMI, NIM, MAS या फिर इनमें से सभी। टाइम अप। तो HMI दार्जिलिंग में चलता है, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट टॉपिक एनवायरमेंट अवेयरनेस का, 5-6 क्वेश्चन है बस। क्वेश्चन नंबर 10, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, ऑप्शन है 3 प्रकार का, बी 5 प्रकार का, सी 4 प्रकार का या फिर डी 2 प्रकार। टाइम शुरू हो चुका है। तो आपका टाइम इधर चल रहा 15 सेकंड और टेस्ट पूरा देंगे, टोटल 60 क्वेश्चन है और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे 60 में 60 किसका सही हो होगा विनर, और सेम क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं। चलिए जल्दी, टाइम अप। तो प्रदूषण 4 प्रकार का होता है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ऑप्शन है 5 जून को, बी 22 अप्रैल को, सी 15 अगस्त को या फिर 2 अक्टूबर को। टाइम शुरू हो चुका है। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, किस डेट को, हम NCC कैडेट्स उस दिन जागरूकता रैली भी निकालते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। चले जल्दी, टाइम अप। तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रदूषण के प्रकार हैं, ऑप्शन ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी भू प्रदूषण या फिर इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, चलिए जल्दी, आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण या ऑल ऑफ दिस। चलो टाइम ऑफ। तो प्रदूषण के ये तीनों ही प्रकार हैं, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया था, ऑप्शन ए 1970 में, बी 1971 में, सी 1972 में या फिर 1973 में। टाइम शुरू हो चुका। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। गुड जोश, ओला टाइगर। चलो टाइम ऑफ। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रदूषण रोकने के उपाय, ऑप्शन ए अवशिष्टों का ढेर लगाना, बी स्वच्छता भूमि भरण, सी भस्मीकरण या फिर इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका। मतलब पॉल्यूशन को रोकने का, कम करने का तरीका कौन कौन सा है, ऑप्शन दिया गया है। और जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चले टाइम ऑफ। तो प्रदूषण रोकने के तरीके इनमें से सभी है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वायु प्रदूषण के कारण है, ऑप्शन ए धुआं, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी परमाणु विस्फोट या फिर इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका। मतलब एयर पॉल्यूशन के रीजन कौन कौन से है जो ऑप्शन में है। और जो तेजस NCC आर्मी ऐप है, NCC आर्मी ऐप आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च कर लेंगे अभी। चलिए टाइम ऑफ। तो वायु प्रदूषण के कारण इनमें से सभी है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जल प्रदूषण रोकने के उपाय, ऑप्शन ए उबालकर, बी छानकर, सी क्लोरीनीकरण या फिर इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय कौन कौन सा है, तो आप लोग गूगल पर प्ले स्टोर पर सर्च कर लेंगे तेजस NCC आर्मी और ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ऐप अब अवेलेबल हो गया। चलिए टाइम अप। तो जल प्रदूषण रोकने के उपाय इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन में मुख्य भूमिका अदा करती है, ऑप्शन ए पशु, बी जंगल, सी ऑक्सीजन या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड। टाइम शुरू हो चुका। पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन में मुख्य भूमिका अदा करती है, सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। चलिए जल्दी, गुड जोश,
कुछ लोग गलत भी हो रहे हैं, टाइम अप। तो पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन में मुख्य भूमिका जंगल अदा करता है, ठीक है, ऑप्शन बी वाले सही है, जंगल। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, इससे भी सदा 8-9 क्वेश्चन है। 18 नंबर, बाधाएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 10 प्रकार की, बी 4 प्रकार की, सी 6 प्रकार की, या फिर डी 2 प्रकार की। टाइम शुरू हो चुका है, क्वेश्चन ध्यान देंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल पूछा है, यह नहीं पूछा है कि एनसीसी में ऑब्स्टिकल कितने कराए जाते हैं या फिर ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में कितनी बाधाएं होती है। टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल, इसमें काफी लोग गलत इस बार भी है, तो बधाएं 2 प्रकार के, ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित, ऑप्शन डी वाले सही बस। क्वेश्चन नंबर 19, स्ट्रेट बैलेंस कितने इंच मोटी एवं कितने फीट लंबी होती है? ऑप्शन है 6 इंच एवं 12 फीट, बी 3 इंच एवं 9 फीट, सी 4 इंच एवं 10 फीट, या फिर डी 3 इंच एवं 12 फीट। टाइम शुरू हो चुका है, स्ट्रेट बैलेंस कितने इंच मोटी एवं कितने फीट लंबी होती है, जल्दी से सभी लोग फास्ट, टाइम अप। तो स्ट्रेट बैलेंस 3 इंच मोटी और 12 फीट लंबी होती है, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 20, रैंप कितने फीट ऊंचा होता है? ऑप्शन है 4 फीट 6 इंच, बी 6 फीट 6 इंच, सी 4 फीट 8 इंच, या फिर डी 3 फीट 6 इंच। टाइम शुरू हो चुका है, रैंप कितने फीट ऊंचा होता है यानी हाइट ऑफ रैंप, ऑप्शन दिया गया। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं बचा और अल्फा सभी का आएगा जो लोग कंटिन्यू क्लास करते। चलिए टाइम ऑफ, रैंप की ऊंचाई 4 फीट 6 इंच होती है, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 21, लेफ्ट हैंड वॉल्ट किस हाथ की मदद से पार करते हैं? ऑप्शन है राइट हैंड, बी बोथ हैंड, सी लेफ्ट हैंड, या फिर नन ऑफ दीज। टाइम शुरू हो चुका है, डेली शाम में 7 बजे तेजस एनसीसीआर में चैनल पर लाइव क्लास होती है, आप लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे और होमवर्क पढ़ के आएंगे, अल्फा इजीवे में आएगा। चलिए जल्दी से सभी लोग, टाइम अप। तो लेफ्ट हैंड वॉल्ट की मदद से पार करते, सी वाले सही है। 22, ऑब्स्टिकल दीवार की लंबाई और चौड़ाई है? ऑप्शन है 12 फीट 6 फीट, बी 6 फीट 6 फीट, सी 8 फीट 4 फीट, या फिर 10 फीट 6 फीट। टाइम शुरू हो चुका है, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ऑब्स्टिकल वॉल। चलिए फास्ट, सभी के आंसर जल्दी से आने चाहिए, इट्स वेरी इजी। टाइम अप, ऑब्स्टिकल दीवार की लंबाई चौड़ाई 12 फीट और 6 फीट होती है, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी बाधा गर्ल्स कैडेट को अलाउड नहीं है? ऑप्शन ए स्ट्रेट बैलेंस, बी डबल डिच, सी रैंप, या फिर डी क्लियर जंप। टाइम शुरू हो चुका है, मतलब कौन सा ऑब्स्टिकल एनसीसी गर्ल्स कैडेट को अलाउ नहीं है? ऑप्शन स्ट्रेट बैलेंस, डबल डिच, रैंप, या फिर क्लियर जंप। टाइम अप, करेक्ट आंसर होगा डबल डिच, अलाउड नहीं है गर्ल्स कैडेट को, बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑब्स्टिकल बाधाएं लगभग एक बाधा से दूसरे बाधा की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है लगभग 25 फुट, बी लगभग 10 फुट, सी लगभग 30 फुट, या फिर लगभग 20 फुट। टाइम शुरू हो चुका है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्स्टिकल्स। चलिए फास्ट, सारे क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर के पूछे गए हैं, जल्दी टाइम अप। तो दो बाधाओं के बीच का डिस्टेंस लगभग 30 फुट होता है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधाएं रहती है? ऑप्शन है 8 बाधाएं, बी 2 बाधाएं, सी 12 बाधाएं, या फिर 10 बाधाएं। टाइम शुरू हो चुका है, हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स आर देयर इन ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, ये क्वेश्चन समझिएगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन दूसरा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में कितनी बाधाएं। फास्ट, टाइम अप, तो इसमें होगा 10 बाधाएं, ठीक है, ऑप्शन डी वाले सही है। क्लियर जंप की बीम संरचना कैसी होती है? ऑप्शन है सीधी, बी टेढ़ी मेढ़ी, सी गोल, या फिर त्रिभुजाकार। टाइम शुरू हो चुका,
क्लियर जंप की बीम संरचना यानी उसका स्ट्रक्चर बनावट कैसा होता है, सीधा, टेढ़ा मेढ़ा, गोल या फिर त्रिभुजाकार। गुड जोश, चलिए फास्ट, टाइम ऑफ। तो क्लियर जंप की स्ट्रक्चर सीधा होता है, ऑप्शन ए वाले सही है। 27, गेट वॉल्ट की लंबाई कितनी होती है, ऑप्शन ए 10 फीट, बी 6 फीट, सी 12 फीट या फिर डी 4 फीट। टाइम शुरू हो चुका है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ गेट वॉल्ट, चलिए सभी लोग जल्दी से बताएंगे, इट्स वेरी इजी, अगर पढ़े हैं तो, नहीं तो फिर तो मुश्किल, थुक्का लगाने से कुछ नहीं होगा। चलिए टाइम ऑफ। तो गेट वॉल्ट की लंबाई 12 फीट होती है, ऑप्शन सी वाले सही है। 28, हाई वॉल की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, ऑप्शन ए 10 फीट और 6 फीट, बी 12 फीट और 6 फीट, सी 4 फीट और 8 फीट या फिर डी 12 फीट और 12 फीट। टाइम शुरू हो चुका है। हाई वॉल की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, चलिए फास्ट, और वीडियो को आप डेली लाइक कर देंगे, और चैनल जो लोग सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका अपना चैनल है, जल्दी टाइम अप। तो हाई वॉल की लंबाई चौड़ाई 12 फीट और 6 फीट होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट, अब हम लोग शुरू करते हैं इधर उधर से, ठीक है, क्योंकि टाइम कम से कम, मतलब सारे टॉपिक से मिक्सअप करते हैं। ये है आपका ड्रिल का। 29, मुख्यमंत्री को कौन सा सैल्यूट अधिकृत है, ऑप्शन है बट सैल्यूट, बी राष्ट्रीय सैल्यूट, सी जनरल सैल्यूट या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका। ये सब क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हम लोग ड्रिल और वेपन ये सब पहले कर चुके, तो आपको वो सब याद है कि भूल गए, रिवीजन हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है बस ड्रिल का, फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन वेपन का होगा, इस तरह से। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो मुख्यमंत्री को जनरल सैल्यूट अधिकृत है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 30, जेसीओ को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है, ऑप्शन है जनरल सैल्यूट, बी बट सैल्यूट, सी राष्ट्रीय सैल्यूट या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका। जेसीओ को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है, फास्ट, ऑप्शन जनरल सैल्यूट, बट सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम ऑफ। तो जेसीओ को बट सैल्यूट दिया जाता है, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 31, सैल्यूट कितने प्रकार का होता है, ऑप्शन है 5 प्रकार का, बी 2 प्रकार का, सी 4 प्रकार का या फिर डी 3 प्रकार का। टाइम शुरू हो चुका। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैल्यूट, इसमें काफी लोग फंसते हैं क्योंकि बटालियन में भी कुछ जो सर होते हैं ना, मिस्टेक से वो लोग गलत बता दिए हैं, मैंने भी पहले आपको गलत बताया था लेकिन फिर करेक्शन कर दिया था। सैल्यूट कितने प्रकार, टाइम ऑफ। सैल्यूट 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 32, ड्रिल के प्रकार है, ऑप्शन है ओपन ड्रिल, बी क्लोज ड्रिल, सी केवल है या फिर ए और बी दोनों। टाइम शुरू हो चुका। इनमें से ड्रिल का टाइप कौन सा है, ऑप्शन दिया गया है ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल, केवल ए या फिर ए और बी दोनों होगा। टाइम अप। तो ये दोनों ड्रिल का टाइप्स है, यानी ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। 33, धीरे चल में पांव कितने इंच निकलता है, ऑप्शन है 30 इंच, बी 20 इंच, सी 45 इंच या फिर 18 इंच। टाइम शुरू हो चुका। लेंथ ऑफ स्टेप इन धीरे चाल, चलिए जल्दी, और आप काउंट करते रहना कितना सही करते हो, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि विनर कौन है और बाकी लोग कितने सही करते हैं, सब लोग बताएंगे। टाइम अप। तो धीरे चल में पांव 30 इंच निकलता है, ऑप्शन ए वाले सही है। 34, तेज चाल में 2 कैरेट्स के बीच की दूरी कितनी होती है, ऑप्शन है 30 इंच, बी 20 इंच, सी 45 इंच या फिर 18 इंच। टाइम शुरू हो चुका। तेज चाल में 2 कैरेट्स के बीच की दूरी कितनी होती है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे, 30 इंच, 20 इंच, 45 इंच या फिर 18 इंच। टाइम ऑफ। तो 2 कैरेट्स के बीच का डिस्टेंस 45 इंच होता है, ऑप्शन सी वाले सही है। 35, 7.62 mm LMG का रेंज क्या है, ऑप्शन है 400 मीटर, सेकंड 600 मीटर, थर्ड 200 मीटर या फिर फोर्थ 500 मीटर। टाइम शुरू हो चुका है।
इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm एलएमजी। जल्दी से सभी लोग बताएं। गुड जोश, इट्स वेरी इजी। 7.62 mm एलएमजी का रेंज टाइम ऑफ, तो करेक्ट आंसर होगा एलएमजी का 500 मीटर कारगर रेंज होता है, ऑप्शन फोर वाले सही है। 36, 7.62 mm एसएलआर की मजर वेलोसिटी कितने फीट प्रति सेकंड है? ऑप्शन है 900 फीट प्रति सेकंड, बी 1000 फीट प्रति सेकंड, सी 2700 फीट प्रति सेकंड या फिर डी 815 फीट प्रति सेकंड। टाइम शुरू हो चुका है। मज्जल वेलोसिटी ऑफ 7.62 mm एसएलआर, चले जल्दी, इट्स वेरी इजी। सभी लोग टाइम अप। एसएलआर की मज्जल वेलोसिटी 2700 फीट प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 37, 7.62 mm एसएलआर राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है? ऑप्शन है बोल्ट एक्शन, बी गैस, सी इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका है। 7.62 mm एसएलआर राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है? बोल्ट एक्शन, गैस, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी। टाइम अप। एसएलआर का गैस के सिद्धांत पर काम करते हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। 38, 5.56 mm इंसास राइफल के मज्जल वेलोसिटी कितना है? फर्स्ट 900 मीटर प्रति सेकंड, सेकंड 100 मीटर प्रति सेकंड, थर्ड 1300 मीटर प्रति सेकंड या फिर फोर्थ 500 मीटर प्रति सेकंड। टाइम शुरू हो चुका है। मज्जल वेलोसिटी पूछा है, यानी तोप वेग इंसास का कितना होता है? 900 मीटर, 100 मीटर, 1300 मीटर या फिर 500 मीटर प्रति सेकंड। चलिए टाइम अप। इंसास की मज्जल वेलोसिटी 900 मीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन फर्स्ट वाले सही है। 39, ध्यान देंगे अच्छे से पढ़ना। फायर पर असर डालने वाली बातें, ऑप्शन है हवा, दूरी, रोशनी, मौसम, गुरुत्वाकर्षण, बी हथियार का जीरो ना होना, बैरल में कटाव, सी बैरल में तेल का होना, बैनट लगाकर फायर करना, शॉट का ठीक से ना लगना या फिर इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका है। अब जिनको लॉन्ग आंसर याद नहीं होगा फंसेंगे, तो जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है आपको तो सारे क्वेश्चन ही पढ़ने, आपका तो और टफ है, मतलब टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव मॉडल पेपर सारे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जल्दी टाइम अप। तो फायर पर असर डालने वाली बातें ये सारे है, 10 हो, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ड ऑफ कमांड में थंब किस पैर पर दिया जाता है? ऑप्शन है दाहिने पैर पर, बी बाएं पैर पर, सी दोनों में से किसी भी पैर पर या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। वर्ड ऑफ कमांड में थंब किस पैर पर दिया जाता है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, इट्स वेरी इजी। चलिए टाइम अप। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बाएं पैर पर। नेक्स्ट 41, बट सैल्यूट किसे लागू है? ऑप्शन ए नायक सुबदार से लेकर कैप्टन साहब तक, बी नायक सुबदार से लेकर जनरल तक, सी मेजर से जनरल तक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। बट सैल्यूट किसे लागू है, मतलब किस रैंक से लेकर किस रैंक तक बट सैल्यूट देते हैं? ध्यान से ऑप्शन, नहीं तो फिर फंसोगे, जल्दी चले टाइम अप। तो बट सैल्यूट नायक सुबदार से लेकर कैप्टन साहब तक देते हैं, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 42, ड्रिल की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन ए अमेरिका से, बी भारत से, सी फ्रांस से या फिर डी जर्मनी से। टाइम शुरू हो चुका है। ड्रिल की शुरुआत कहां से हुई, चलिए जल्दी से सभी लोग, इट्स वेरी इजी। गुड जोश, इसका तो सबका सही होगा, बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलिए टाइम अप। तो ड्रिल की शुरुआत जर्मनी से हुई थी, ऑप्शन डी वाले सही है। 43, निकट लाइन चल की कार्रवाई की जाती है? ऑप्शन है निरीक्षण से पहले, बी मार्च पास्ट के बाद, सी निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका।
निकट लाइन चल की कार्रवाई कब करते हैं? फास्ट। क्वेश्चन समझिएगा, ये तो फिर फंसोगे। जल्दी और दो सेकेंड। चले टाइम अप। तो निकट लाइन चल की कार्रवाई निरीक्षण के बाद और मार्च पास से पहले करते हैं। ऑप्शन सी वाले सही है। 44। SW एक मिनट में कितना कदम चलती है? ऑप्शन 110 कदम, बी 70 कदम, सी 116 कदम या फिर 120 कदम। टाइम शुरू हो चुका। SW का मतलब होता है सीनियर विंग, यानी सीनियर गर्ल्स कैडेट। एक मिनट में कितना कदम चलती है? ऑप्शन 110 कदम, 70 कदम, 116 कदम या फिर 120 कदम। चलिए टाइम अप। SW एक मिनट में 110 कदम चलती है। ऑप्शन ए वाले सही है। 45। ट्राइपॉड पर LMG का कारगर रेंज कितना गज होता है? ऑप्शन है 500 गज, बी 3000 गज, सी 1000 गज या फिर डी 2000 गज। टाइम शुरू हो चुका है। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ LMG ऑन ट्राइपॉड? एक होता है बाइपॉड, याद है ना, तो बाइपॉड ट्राइपॉड दोनों पूछता है। गुड जोश। टाइम अप। तो ट्राइपॉड पर LMG का रेंज 2000 गज होता है। ऑप्शन डी वाले सही है। 46। फायरिंग के चार दर्जे होते हैं। ऑप्शन है स्नैप शूटिंग, एडवांस शूटिंग, लेट कर खड़े होकर, बी ग्रुपिंग जीरोइंग एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन, सी ग्रुपिंग जीरोइंग एप्लीकेशन लेट कर या फिर डी स्नैप शूटिंग एडवांस शूटिंग एप्लीकेशन लेट कर। टाइम शुरू हो चुका। ऐसे क्वेश्चन फंसाती है भी, लॉन्ग आंसर को देख रहे, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, मतलब कौन कौन से चार तरीकों से फायरिंग कराते हैं NCC में। जल्दी, फास्ट। चलिए टाइम अप। तो फायरिंग के चार दर्जे ग्रुपिंग जीरोइंग एप्लीकेशन और क्लासिफिकेशन होता है। ऑप्शन बी वाले सही है। 47। 7.62 mm SLR का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है 7.62 cm सेल्फ लोडिंग राइफल, बी 7.62 mm सेल्फ लोडेड राइफल, सी 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल या फिर डी नन ऑफ दीज। टाइम शुरू हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक करोगे फंसोगे। 7.62 mm SLR का पूरा नाम। टोटल 60 क्वेश्चन है, तो टेस्ट पूरा दीजिएगा और चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे जरूर नहीं किए हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाइम अप। SLR का पूरा नाम 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल होता है। ऑप्शन सी वाले सही है। 48। नंबर 5.56 mm इंसास राइफल का कारगर रेंज कितना मीटर होता है? ऑप्शन है 100 मीटर, बी 200 मीटर, सी 300 मीटर या फिर डी 400 मीटर। टाइम शुरू हो चुका है। इंसास राइफल का कारगर रेंज कितना मीटर होता है? चलिए फास्ट, आंसर सभी का आना चाहिए, इट्स वेरी इजी, बेसिक क्वेश्चन है। टाइम अप। इंसास का कारगर रेंज 400 मीटर होता है। ऑप्शन डी वाले सही है। 49। 0.22 डिलक्स राइफल का वजन कितना पाउंड कितना औंस है? ऑप्शन है 6.2 औंस, बी 8.2 औंस, सी 6.8 औंस या फिर 8.10 औंस। टाइम शुरू हो चुका है। What is the weight of 0.22 deluxe rifle? A certificate का बहुत मतलब जीरो लेवल का क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, एकदम बेसिक है। टाइम अप। तो डिलक्स का वजन 6.2 औंस होता है। ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 50। NCC का पूरा नाम लिखो। ऑप्शन है नेशनल कैडेट कोर क्रॉप्स है, बी नेशनल कैडेट कोड, सी नेशनल कैडेट कोर या फिर डी नॉन कैडेट कोर। टाइम शुरू हो चुका। मतलब फुल फॉर्म ऑफ NCC। फास्ट, इसके बाद और 9 क्वेश्चन है, तो जितना जल्दी जल्दी आप लोग बताएं। 15 सेकंड का टाइम है एक क्वेश्चन पे, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, मतलब कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। टाइम ऑफ। तो NCC का पूरा नाम नेशनल कैडेट कोर होता है। ऑप्शन सी वाले सही है। 51। भारत में NCC की स्थापना सन कितने में की गई थी? ऑप्शन है 16 जुलाई 1948 में, बी 16 अप्रैल 1948 में, सी 15 जुलाई 1948 में या फिर 15 अप्रैल 1948 में। टाइम शुरू हो चुका।
When was NCC established in India? जल्दी, सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। गुड जोश, चलो टाइम ऑफ। तो भारत में एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 में हुई थी। ऑप्शन ए वाले सही है। 52 एनसीसी में कितने निदेशालय हैं? ऑप्शन ए 16, बी 17, सी 18 या फिर 19। टाइम शुरू हो चुका है। एनसीसी में कितने निदेशालय हैं? 16, 17, 18 या 19, मतलब डायरेक्टरेट कितने हैं? टाइम अप। तो एनसीसी में टोटल 17 डायरेक्टरेट यानी निदेशालय हैं। ऑप्शन बी वाले सही है। 53 एनसीसी का मोटो क्या है? ऑप्शन एकता और अनुशासन, बी तेज और बुद्धिमान, सी अनुशासन और साहस या फिर एकता और अनुशासन। टाइम शुरू हो चुका है। इसका आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? चलिए जल्दी सभी लोग। गुड जोश, टाइम अप। एनसीसी का मोटो एकता और अनुशासन है। ऑप्शन डी वाले सही है। 54 एनसीसी में कितने स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाता है? ऑप्शन है 3, बी 4, सी 5 या फिर 6। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब एनसीसी में कितने लेवल पर ट्रेनिंग दिया जाता है? जल्दी, लास्ट में बताएंगे सभी लोग कौन विनर है और बाकी लोग उनको विश करेंगे जो विनर होगा। चलो टाइम अप। तो एनसीसी में 3 लेवल पर प्रशिक्षण एंड ट्रेनिंग दिया जाता है। ऑप्शन ए वाले सही है, आर्मी और एयर और नॉवल। 55 एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? ऑप्शन ए सुदर्शन फकीर, बी कर्नल जीजी बैबूर, सी पंडित हृदयनाथ कुंजरू या फिर डी लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। टाइम शुरू हो चुका। एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? ध्यान से, गुड जोश, जल्दी, टाइम अप। तो एनसीसी के प्रथम निदेशक कर्नल जीजी बैगूर थे। ऑप्शन बी वाले सही है। 56 भारत में एनसीसी की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए सुदर्शन फकीर ने, बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सी पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने या फिर डी बंकिम चंद चटर्जी ने। टाइम शुरू हो चुका। भारत में एनसीसी की शुरुआत किसने की थी? ये सब क्वेश्चन जल्दी आपको पढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन एग्जाम में पूछा है। जल्दी, फास्ट, टाइम अप। तो भारत में एनसीसी की शुरुआत पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 57 एनसीसी का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी पटना, सी जयपुर या फिर डी दिल्ली। टाइम शुरू हो चुका। ये तो और भी इजी क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी, फिर भी इसमें कुछ लोग गलत करते हैं जो ध्यान नहीं देते जरा सा भी। तो थोड़ा कर रहे हैं एनसीसी तो अच्छे से कीजिए ताकि ए ग्रेड से पास हो। टाइम अप। एनसीसी का मुख्यालय दिल्ली में है। ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट 58 एएनओ का पूरा नाम लिखो। ऑप्शन है एसोसिएट एनसीसी ऑफिस, बी एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर, सी एसएच एनसीसी ऑफिसर या फिर डी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। टाइम शुरू हो चुका। फुल फॉर्म ऑफ एएनओ, चले जल्दी, स्पेलिंग ध्यान देना, इसमें तो बहुत लोग गलत होते हो जबकि इतना इजी क्वेश्चन है। ये एनसीसी टीचर जो हमारे होते हैं ना उनका फुल फॉर्म है। टाइम अप। बहुत लोग ऑफिस लिखता है, अरे वो टीचर होते हैं तो ऑफिसर होगा ना। ऑप्शन डी वाले सही है, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। नेक्स्ट 59 एनसीसी में बालिका अष्टकंद की स्थापना जुलाई कितना में हुई? ऑप्शन है 1949 में, बी 1950 में, सी 1952 में या फिर 1954 में। टाइम शुरू हो चुका। एनसीसी में बालिका अष्टकंद यानी गर्ल्स डिवीजन की स्थापना कब हुई, कब शुरू किया गया लड़कियों का एनसीसी? 1949 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1954 में। टाइम अप। तो गर्ल्स डिवीजन की शुरुआत
1949 में हुई थी। ऑप्शन ए वाले सही है। लास्ट क्वेश्चन आज का, एनसीसी के झंडे में कितने रंग हैं? ऑप्शन ए 4 रंग, बी 3 रंग, सी 5 रंग या फिर डी 7 रंग। टाइम शुरू हो चुका है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन फ्लैग ऑफ एनसीसी? ऑप्शन 4 रंग, 3 रंग, 5 रंग या 7 रंग। जल्दी और 1 सेकेंड टाइम ऑफ। एनसीसी के झंडे में 3 रंग होते हैं। ऑप्शन बी वाले सही है। तो कौन है आज का विनर, आज का हीरो, कमेंट करके बताइएगा। वही होगा जिनका 60 में 60 सही होगा। जो लोग विनर है सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बाकी लोग अच्छे से पढ़े और विनर को आप लोग विश कर देंगे। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ये भी अपना तेजस का चैनल है, आपका चैनल है, जिस पर हम लोग लाइव बातचीत वगैरह करते रहेंगे, ठीक है, और जो भी मस्ती होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्विज टेस्ट आर्म्ड फोर्सेस का होगा। तभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।